वेलकम स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम आपको कराएंगे क्लास 12 चैप्टर 3 मैट्रिक्स एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 12। तो देखिए क्या बोला है। गिवन है ये हमारे पास मैट्रिक्स, इनटू में 3 है इसके, इक्वल्स टू है ये इन दोनों मैट्रिक्स के एडिशन के, ठीक है। हमें फाइंड क्या करना है, वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे फाइंड करते हैं, पहले क्या करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे इस वाली मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ, ठीक है। तो ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3x फर्स्ट एलिमेंट, यहाँ से 3y, यहाँ से 3z और यहाँ से 3w। ये आगे मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्टेंट मैट्रिक्स। अब एडिशन करने के बाद क्या आएगा इन दोनों मैट्रिक्स का, तो वो देख लेते हैं। देखो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, ये आएगा हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट x प्लस 4, सेकेंड एलिमेंट क्या आएगा 6 प्लस एक्स प्लस वाई, तो 6 प्लस एक्स प्लस वाई, यहाँ से माइनस 1 प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, यहाँ से 2w प्लस 3। ये आ गया हमारे पास एडिशन करने के बाद रिजल्टेंट मैट्रिक्स, ठीक है। इन दोनों का एडिशन करने के बाद ये आ गई क्या, रिजल्टेंट मैट्रिक्स। अब देखते हैं आगे। अब देखो इक्वल हैं ये दोनों मैट्रिक्स, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होंगे हमारे पास। तो हम यहाँ से कह सकते हैं 3x जो होगा वो किसके इक्वल होएगा, x प्लस का 4, बिकॉज दीज मैट्रिक्स आर इक्वल, बिकॉज दीज मैट्रिक्स आर इक्वल, सो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर ऑल्सो इक्वल। क्लियर है यहाँ तक? बिल्कुल क्लियर है। अब आगे देखो, 3x किसके इक्वल आ गया, x प्लस 4 के, तो यहाँ से x उस साइड चला जाएगा, 3x माइनस का x इक्वल किसके इक्वल, 4 के, तो यहाँ से आएगा 2x इक्वल्स टू में 4, x आ जाएगा 4 बाई 2 यानी कि 2। ये आ गई हमारे पास x की वैल्यू। अब निकालते हैं y की, तो ऐसे देखो 3y किसके इक्वल है, 6 प्लस एक्स प्लस वाई के, तो देखो 3y इक्वल्स टू में 6 प्लस में x प्लस में y। तो देखो x की वैल्यू हम निकाल चुके 2, तो यहाँ पे पुट कर देंगे, y को इस साइड ले आओ, 3y माइनस का y इक्वल्स टू में 6 प्लस 2 8, तो ऐसे 2y बच गया, ये किसके इक्वल आ गया 8 के, तो ऐसे y की वैल्यू क्या आ जाएगी, अपॉन में 2 तो 4। ये आ गई y की वैल्यू। अब निकालते हैं z की, तो 3z किसके इक्वल बोला, देखो 3z बोला है माइनस का 1 प्लस जेड प्लस डब्ल्यू के, तो पहले आपको w निकालना पड़ेगा। तो देखो w इजीली है, 3w किसके इक्वल है, 2w प्लस में 3 का, तो पहले w ही निकाल लेते हैं, 3w इक्वल्स टू में किसके है, 2w प्लस में 3 के, तो ऐसे 2w साइड आ जाएगा, 3w माइनस का 2w इक्वल्स टू में 3, तो ऐसे बच गया w इक्वल्स टू में 3, तो ऐसे क्या गया ये हमारे पास 3। अब निकाल लो भाई z की वैल्यू, तो 3z किसके इक्वल था, माइनस का 1 प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, तो ऐसे क्या जाएगा, z को इसी साइड रखो और जो जो वैल्यू हमारे पास की हो उनको पुट कर दो, चाहे आप ऐसे कर सकते हो 3z इस प्लस वाले z को इस साइड ले आओ, माइनस का z हो गया, अब यहाँ पे पुट कर दो भाई माइनस का 1 और w की जगह क्या पुट करना है 3, क्योंकि हम निकाल चुके हैं 3, तो ऐसे क्या जाएगा 2z इक्वल्स टू में प्लस का 2 और z की वैल्यू क्या जाएगी 1। क्लियर है यहाँ तक? बिल्कुल क्लियर है। सभी चीज़ों की वैल्यू आ गई ना, देखो x की आ गई 2, y की आ गई 4, w की आ गई 3 और z की आ गई 1। तो ये थी हमारे पास चारों वैल्यू। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया वाई क्वेश्चन। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।